वेलकम टू माय चैनल द वंडर गर्ल और मेरा नाम है लीशा। ये जो आज का वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पैंटीन प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट के बारे में, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल होता है और आपको ऑनलाइन भी इजीली ही अवेलेबल होता है। चाहे आप अमेजोन पर ट्राई करें, चाहे फ्लिपकार्ट पर ट्राई करें, चाहे आप पर्पल पर ट्राई करें, ये आपको हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। एंड प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट से नाम समझ में आ रहा है कि ऑयल को रिप्लेस करना। गाइस, जो लोग होते हैं जो अपने हेयर में ऑयलिंग नहीं कर पाते टाइम टू टाइम, तो वो इसे यूज कर सकते हैं एज अ हेयर ऑयल। बट ये कोई हेयर ऑयल नहीं है, एक क्रीम कंसिस्टेंसी में आता है, जो कि मेरे पास जो ट्यूब है ये बड़ा वाला ट्यूब है, जो कि 150 रुपीज का मैंने आई थिंक फ्लिपकार्ट से बाय करा था। एंड इसमें जो है वो एक छोटा वाला भी आता है, जो कि आता है आई थिंक 80 ml का आता है, ये वाला 180 ml का है, और जो छोटा वाला आता है वो 80 ml का आता है, जो कि आई थिंक आ जाता है 75 to 80 रुपीज का आ जाता है। बट ये जो बड़ा वाला आता है 180 ml का, ये आपको 150 रुपीज का इजीली अवेलेबल होता है, जिसमें हमें क्वांटिटी 180 ml की मिलती है, जो कि बहुत अच्छी इनफ है हमारे लिए। सो हमें ये जो प्रोडक्ट मिलता है 150 रुपीज में 180 ml का, उसमें जो क्वांटिटी है वो काफी अच्छी क्वांटिटी है। जो 150 रुपीज में हमें 180 ml मिल रहा है, ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। और मैं इस वीडियो में जो भी रिव्यूज दूंगी वो मेरे खुद के रिव्यूज होंगे, जो मैंने यूज करने के बाद देखे हैं अपने हेयर्स में जो फर्क है वो। ये कोई भी पेड वीडियो नहीं होगा, इसलिए जो रिव्यूज होंगे वो एकदम जेन्युइन होंगे। मैं आपको वो चीजें शेयर करूंगी जो मैं यूज करती हूँ या फिर जो मुझे अच्छी लगी है यूज करने में, इसलिए आप जैसा रिजल्ट मेरे को अच्छा फील हुआ है डेफिनेटली आपको भी इसे अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। इसका जो पहला वर्क है, आप इसे एज अ कंडीशनर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में कंडीशनर आते हैं तो उसकी क्वांटिटी 150 रुपीज में 180 ml तो नहीं ही मिलती है, जो कि प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट की मिलती है। इसकी जो मेन बात सिर्फ क्वांटिटी नहीं है, इसकी क्वालिटी भी है। आप अपना हेयर्स में कंडीशनर क्यों यूज करते हो? ताकि आपके हेयर मैनेजेबल हो जाए, फ्रिजी ना रहे, सॉफ्ट टू टच हो, सिल्की हो, स्मूथ हो और शाइनी हो। यही रीजन है हम सब लोग अपने हेयर्स में कंडीशनर यूज करते हैं। सो ये बिल्कुल वही काम करेगा आपके हेयर में। जैसे आप अपने हेयर को वॉश करते हो शैम्पू से, उसके बाद जब आप कंडीशनर अप्लाई करते हो तो आप कंडीशनर की जगह प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट भी यूज कर सकते हो। अगर आप इसे यूज करोगे तो बिल्कुल आपके हेयर सॉफ्ट टू टच होंगे, सिल्की होंगे, स्मूथ होंगे, शाइनी होंगे, जो फ्रिज होगा वो भी ये एलिमिनेट करेगा, आपके हेयर एकदम मैनेजेबल होंगे। सो डेफिनेटली आपको इसे एज अ कंडीशनर भी यूज करना चाहिए। एंड जो नेक्स्ट वे है पैंटीन प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट को यूज करने का, वो है एज अ लीव इट कंडीशनर। सो बहुत सारे लोग जानते हैं लीव इट कंडीशनर क्या होता है, और जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि लीव इट कंडीशनर अपने हेयर्स को वॉश कर, जब हम अपने हेयर को वॉश करते हैं उसके बाद हम जब भी कोई भी कंडीशनर अप्लाई नहीं करते हैं तो आप लीव इट कंडीशनर यूज कर सकते हैं। लीव इट कंडीशनर को आपको आपके बालों में लगे छोड़ देना होता है, आपको उसे वॉश करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप वॉश नहीं करोगे तब भी वो आपके हेयर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। बट जो हम कंडीशनर यूज करते हैं वो अगर हम हेयर से नहीं निकालें, हेयर से वॉश ना करें, तो वो हमारे हेयर्स को डैमेज कर देगा। बट जो लीव इट कंडीशनर होता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है, बल्कि अगर कुछ लोग होते हैं कंडीशनर यूज नहीं करते हैं, कुछ लोग लीव इट कंडीशनर ही यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपने हेयर वॉश करा देन उसके बाद आपके हेयर 40 to 50% ड्राई होने के बाद आप अपने कोई भी लीव इट कंडीशनर को यूज कर सकते हैं। लीव इट कंडीशनर की जगह पे आप प्रोवी पैंटीन का ऑयल रिप्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपके हेयर्स मैनेजेबल होंगे, सॉफ्ट टू टच होंगे, सिल्की, शाइनी, स्मूथ, और एकदम जो फ्रिजी हेयर्स होते हैं ना वो फ्रिजी हेयर्स भी आपके नहीं होंगे। सो इसे आप एज अ लीव इट कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और भी इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड जो नेक्स्ट वे है इसे यूज करने का, वो है एज अ सीरम। सीरम तो हमें हमेशा अपने हेयर्स में अप्लाई करना ही चाहिए। जब भी हम हेयर वॉश करें उसके बाद हम कंडीशनर करते हैं, देन उसके बाद हमारे जब हेयर्स ड्राई हो जाएं, मतलब
पूरे आपको ड्राई नहीं करना है, आपको 60-70% ड्राई हेयर्स में सीरम अप्लाई करना होता है. सो अगर आप सीरम अप्लाई नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको सीरम यूज करना चाहिए, उससे आपकी हेयर जो यूवी रेज होती है उनसे प्रोटेक्टेड रहते हैं एंड जिनके भी फ्रिजी हेयर्स होते हैं वो भी काफी मैनेजेबल हो जाते हैं. एंड उसके बाद जब आप अपने वॉश करने के बाद हेयर्स जब आप सुलझाते हो, आपके बाल उलझ जाते हैं, तो अगर आप सीरम लगा के अपने बाल को सुलझाओगे तो काफी इजीली वो सुलझ जाएंगे. उसमें जो टैंगल्स होते हैं वो काफी इजीली निकल जाएंगे, आपके हेयर ज्यादा टूटेंगे भी नहीं. सो मैं सीरम भी यूज करती हूँ, बट सीरम के बाद जैसे मैं यूज करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पहले सीरम यूज करती हूँ अपने हेयर्स में, देन उसके बाद मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ी सी वॉलनट साइज ऑफ अमाउंट मैं यूज करती हूँ इसका, इतना अमाउंट मैं यूज करती हूँ इसका. आपको इतना ही यूज करना है, आपको इससे ज्यादा अपने हेयर्स में नहीं लगाना है, क्योंकि कोई भी चीज हम जब ज्यादा करते हैं तो वो हमारे हेयर्स के लिए हार्मफुल होती है. आपको सिर्फ इतना ही लेना है और अपने पूरे हेयर्स में अप्लाई कर लेना है. अगर आपके बाल थोड़े बड़े हैं या फिर थोड़े हैवी हैं तो आप थोड़ा सा और ले सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा यूज नहीं करना है. एंड आपको लेना है इसे एंड अपने पाम के बीच में रब करना है, और ज्यादा देर रब नहीं करना, सिर्फ और ऐसे 2-3 बार ऐसे करना है, अपने हेयर्स में अच्छे से अप्लाई कर लेना है. जब जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपको अपने हेयर्स में ऐसे ही अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम जैसे मैं करके बता रही हूँ आपको. देन उसके बाद आपको कोई सा भी कॉम्ब लेना है. पहले तो आप देख लीजिए, मेरे हेयर्स मैं अपने फिंगर से निकाल रही हूँ तो मेरी फिंगर्स इजीली निकल जाती हैं, मेरे बालों में कोई टैंगल नहीं है. तो आप अब मैं इसे बता रही हूँ, तब भी आप देख लीजिए इजीली कॉम्ब है वो पास हो रहा है. सो अगर आप सीरम यूज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए. अगर आप और अगर आप चाहो तो प्रोवी रिप्लेसमेंट भी यूज कर सकते हो एज अ सीरम, या तो फिर इसका एक और वे है यूज करने का जो मैं काफी मुझे काफी पसंद है वो यूज करना. जब भी मेरे बाल उलझे हुए होते हैं, मुझे सुलझाने होते हैं अपने बाल, तो मैं बहुत की ना लगे हैं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि उससे हमारे जो स्कैल्प है उसकी जो हेयर है वो काफी ज्यादा टूटते हैं, और जो हमारा जो स्कैल्प होता है जो रूट्स होती हैं वो काफी कमजोर हो जाती हैं. इसलिए मैं थोड़ा सा रिप्लेसमेंट लेती हूँ अपने पाम में, उसके अपने पाम में रख करके जो नीचे की हेयर्स होते हैं मेरे उसमें मैं लगा लेती हूँ. देन उसके बाद जब भी मैं कॉम्ब लगाती हूँ अपने हेयर में तो वो बिल्कुल ऐसे ही पास हो जाता है एंड मेरा हेयर फॉल भी नहीं होता. जब से मैंने इसको यूज करा है ना, जब भी मैं अपने बाल सुलझाती हूँ कभी मेरा हेयर फॉल नहीं होता है. अगर आप चाहो तो आप भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हो. डेफिनेटली आपको भी जो मुझे फील हो रहा है वही आपको ही फील होने वाला है. आप भी सोचोगे कि पहले जब मैं सुलझाती थी अपने बाल को तो मेरे बाल कितने ज्यादा टूटते थे, बट इसको यूज करने के बाद जब आप अपने हेयर्स में कंघी करोगे तो इजिली आपकी कंघी एकदम इतने सॉफ्ट तरीके से निकलने वाली है ना कि आप आज, और फिर उसके बाद आप कंघी में देखोगे तो आपको एक भी बाल नहीं दिखने वाला है. सो ये भी काफी अच्छा तरीका है प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट को यूज करने का. एंड जो नेक्स्ट वे है इसे यूज करने का वो है एज अ हीट प्रोटेक्टिंग सीरम. क्या है ना, जब हम अपने हेयर में हीट अप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर आपको आपके हेयर स्ट्रेट करने हैं या तो फिर आपको आपके हेयर ब्लो ड्राई करने हैं, तो कर्ल करने हैं, और भी बहुत सी चीजें होती हैं. अगर आपको आपके हेयर में अगर आप हीट यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हीट प्रोटेक्टिंग यूज करना ही चाहिए, नहीं तो अगर आप हीट प्रोटेक्शन यूज नहीं करोगे तो आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं एंड कुछ टाइम बाद वो काफी ज्यादा रफ हो जाएंगे, डल एंड डैमेज हो जाएंगे. सो आपका बालों का पूरा कबाड़ा सत्यानाश होने वाला है अगर आप हीट प्रोटेक्टिंग यूज नहीं करते हो. तो अगर आपको हीट प्रोटेक्टिंग यूज करना है तो आप उसे मार्केट से भी बाय कर सकते हो. मार्केट में भी काफी अच्छे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, बट क्या है ना वो काफी महंगे होते हैं, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता. सो इसलिए आप पैंटीन प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट को एज अ हीट प्रोटेक्टिंग सीरम यूज कर सकते हो. जब भी मैं अपने हेयर्स को स्ट्रेट आयनिंग करती हूँ या फिर कर्ल करती हूँ तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले अपना प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट यूज करती हूँ. इसके बिना मैं अपने हेयर में कोई भी हीटिंग टूल यूज नहीं करती हूँ. सो आपको भी याद रखना है, अगर आप आपके हेयर में हीटिंग टूल यूज कर रहे हैं एंड कोई भी हीट प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए, तो आपके हेयर्स बहुत जल्दी खराब ही होने वाले हैं. सो अगर
आप हीट प्रोटेक्शन यूज करोगे तो डेफिनेटली आपके हेयर मैनेजेबल भी होंगे एंड आपके हेयर क्या है ना डल, डैमेज एंड ड्राई भी नहीं होंगे. सो आपको प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट एज अ हीट प्रोटेक्शन भी यूज करना. मैं भी इसे यूज करती हूँ जब भी मैं अपने हेयर में स्ट्रेटनिंग करती हूँ या फिर कर्लिंग करती हूँ या फिर आपको कोई भी अपनी हेयर स्टाइल बनानी है, डेफिनेटली आप पहले इसे यूज करिए, देन उसके बाद ही कोई भी हेयर स्टाइल पे जाइए. सो एक अच्छा ऑप्शन है एज अ हीट प्रोटेक्टिंग सीरम. सो डेफिनेटली आप इसे यूज कर सकते हैं. एंड जो नेक्स्ट वे है इसे यूज करने का, वो जिसके भी बेबी हेयर्स होते हैं, मतलब जिनके हेयर्स होते हैं वो मतलब ऐसे खड़े हो जाते हैं यहाँ से, जैसे मेरे ये वाले मेरे भी हेयर्स हैं बेबी, सभी के होते हैं बेबी हेयर्स, तो मेरे भी वाले हेयर्स हैं बेबी हेयर्स हैं. तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपनी फिंगर में लेती हूँ इतना सा, और जहां पे मेरे बेबी हेयर्स होते हैं ना वहां पे इसको लगा लेती हूँ ना, तो वो जो हेयर है ना बेबी हेयर वो बैठ जाते हैं, अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं. एंड जो बेबी हेयर्स होते हैं उसकी वजह से हमारी हेयर स्टाइल जो होती है वो बहुत अच्छा, आप कितनी भी अच्छी असर कर लो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आगे से अजीब सा लगता ही है. इसलिए आप जिसकी भी बेबी हेयर्स हैं वो इस ट्रिक को यूज कर सकता है. सो उसके बेबी हेयर्स उस टाइम के लिए मिनिमाइज हो जाएंगे एंड दिखाई नहीं देंगे. सो डेफिनेटली एक चुप ऐसा इफेक्ट आने वाला है आपके हेयर्स पे. एंड जो नेक्स्ट वे है प्रोवी पैंटीन ऑयल रिप्लेसमेंट को यूज करने का, वो आपको आप जैसे कि आपको अपने हेयर वॉश करने हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हेयर वॉश से 1 आवर पहले आपको जो आपकी हेयर की लेंथ है आपको उसमें पैंटीन प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट अच्छे से अप्लाई कर लेना है, एकदम अच्छे से अप्लाई कर लेना है. इससे आपके हेयर्स क्या है काफी अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो जाएंगे. सो जो आपके जिसके भी हेयर ड्राई डल एंड डैमेज हो चुके हैं उसको ये ट्रिक यूज करनी चाहिए. आपको हेयर वॉश करने से पहले 1 घंटे पहले इसको अपने हेयर की सिर्फ और सिर्फ लेंथ में अप्लाई करना है. आपको ध्यान रखना है कि चाहे सीरम हो चाहे ये प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट, आपको कभी भी इसे अपने स्कैल्प पे यूज नहीं करना है. ये गलती बहुत से लोग करते हैं, कुछ लोग कंडीशनर अपने स्कैल्प में भी यूज कर लेते हैं. आप शैम्पू यूज करते हैं अपने स्कैल्प में वो बात ठीक है, क्या है ना शैम्पू हमने स्कैल्प में यूज करते हैं ताकि हमारा जो स्कैल्प गंदा है वो साफ हो जाए, बट कुछ लोग ना कंडीशनर या फिर सीरम भी यूज करते हैं अपने स्कैल्प में, तो उनको ये चीज अवॉइड करनी चाहिए. अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपके हेयर बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने वाला है एंड बहुत जगह से आपके हेयर कम हो जाएंगे. जो लोग सोच बोलते हैं ना हेयर फॉल हो रहा है हेयर फॉल हो रहा है, इसी वजह से होता है. सो आपको हमेशा इसको लेंथ में ही यूज करना है, आप हमेशा ये वाली बात ध्यान रखें. एंड मैं आपको इसको यूज करने की ट्रिक या फिर एक आप कह लीजिए एक हैक बता देती हूँ. आपके हेयर क्या है ना जब भी आपको लगे कि आपके हेयर डल हो रहे हैं या फिर डैमेज से लग रहे हैं या फिर आपको कहीं बाहर जाना है एंड आपने हेयर वॉश नहीं करा है, तो सिर्फ सिंपली आपको थोड़ा सा प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट अपने पाम में लेना है, अपने हेयर एंड्स के बीच में रब करना है एंड अपनी लेंथ पे अप्लाई कर लीजिए. एंड उसके बाद जब आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाएंगे तो आपकी हेयर स्टाइल काफी अच्छी लगेगी एंड आपके हेयर कहीं से भी ऐसे लगने नहीं वाले हैं कि आपने हेयर वॉश नहीं कराया, आपके हेयर्स काफी अच्छे लगेंगे. एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफी, मुझे तो काफी अच्छी लगती है, मतलब क्या बताऊं मैं तो इसकी फैन हूं इसकी फ्रेग्रेंस की, मतलब मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसकी फ्रेग्रेंस. तो अगर तो आपके हेयर में से स्मेल भी आ रही होगी या फिर आपके हेयर्स गंदे होंगे तो भी जब भी अगर आप अपने हेयर्स को टच करोगे या फिर स्मेल करोगे काफी अच्छी स्मेल आएगी आपके हेयर्स में से, बिल्कुल भी बदबू नहीं आने वाली है. सो अगर आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो जब आपके हेयर गंदे हो या फिर आपने वॉश नहीं करे हो या आपको जल्दी में कहीं जाना हो. सो डेफिनेटली आप इन सारे हैक्स को फॉलो कर सकते हो, इन सारे ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो. सो आपके बाल काफी मैनेजेबल हो जाएंगे, जो फ्रिजी हेयर्स हैं वो भी नहीं होंगे, जिसके हेयर डल ड्राई डैमेज हो चुके हैं वो भी काफी अच्छे हो जाएंगे एंड आपके काफी सारे पैसे भी बचने वाले हैं, क्योंकि ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है जो कि हमें हमारे पास होना ही चाहिए. ये गर्ल्स के लिए मस्ट है, वह आपको इसे यूज करना चाहिए एंड डेफिनेटली जो रिजल्ट मैंने महसूस करे हैं इसको यूज करने के बाद डेफिनेटली आपको वही महसूस होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जेन्युइन रिव्यूज शेयर किए हैं. मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो भी रिव्यूज मैं बताऊंगी इस वीडियो में वो एकदम जेन्युइन होने वाले हैं, क्योंकि ये है
एंड ये आपके बहुत सारे पैसे भी बचाने वाला है क्योंकि ये ऑल इन वन प्रोडक्ट है और मैं भी इसे अराउंड 1 ईयर से यूज कर रही हूँ। मेरी ये जो 180 ml वाली जो पैक है ये मेरा थर्ड पैक है। फर्स्ट मैंने 80 ml वाला मंगाया था, वो भी काफी अच्छा चल गया था मेरा, 2 से 3 महीने चल गया था मेरा। एंड अगर आप चाहो तो आप भी इसे बाय कर सकते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, नायका से, पर्पल से, आप जहां से चाहो वहां से ले सकते हो। एंड अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी है सो आप किसी भी लोकल मार्केट में जाके पूछोगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे भी ये मिल ही जाएगा। सो आप यूज करके एक बार जरूर देखना। एंड अगर आप सबको मेरी आज की ये रिव्यू एंड जो हैक्स एंड यूजेस बताए हैं मैंने इस वीडियो में, अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइस, अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी जानना चाहते हो डेफिनेटली आपको वो कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो सो आप वो भी मुझे बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लेके आऊंगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।